नमस्कार न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है आज हमारे साथ हैं राइजिंग कश्मीर के निसार हक जो एक सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं वो कश्मीर से आए हैं दिल्ली और मैं पूछना चाह रही थी कि आपके आने की वजह क्या है आने की वजह मेरी बहुत बड़ी है पाँच अगस्त के बाद कश्मीर में कुछ हालात ऐसे हुए हैं कि हर पेपर वाले को अपना स्टाफ कम करना पड़ा तो मैं यहाँ पे आया काम के लिए काम ढूंढ रहा हूँ मैं बहुत जगह गया अभी काम नहीं मिल रहा हूँ देखता हूँ आगे तो आप वहाँ से अपने साथ फोटोज लाए हैं या बस एक अर्जी लेके आए हैं मैं खाली अर्जी लेकर आया हूँ फोटो नहीं है मेरे पास क्योंकि पाँच अगस्त के बाद वहाँ पे गवर्नमेंट ने एज़ पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन नेट वहाँ पे उन्होंने बंद किए हैं तो नेट के ज़रिए हमारा काम होता है जब नेट ही बंद है तो फोटो उठाने का कोई फायदा ही नहीं था फिर तो ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं, नहीं जो वहाँ पे सब फोटो जर्नलिस्ट हैं जर्नलिस्ट हैं सबके साथ हो सब, रहा सब सब वहाँ पे सब तो के साथ ही कितने जर्नलिस्ट होंगे डेढ़ सौ डेढ़ सौ से ज्यादा अब तो मुझे लगता है जितने भी नेशनल हैं इंटरनेशनल हैं और स्टेट लेवल पे अपने अपने स्टेट में जो वहाँ पे जे एंड के जर्नलिस्ट हैं बोल मुझे लगता है डेढ़ सौ से ज्यादा होंगे वहाँ पे अब वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक इंतजाम किया है एक मीडिया सेंटर वहाँ पे दिया गवर्नमेंट ने श्रीनगर में सनवारा में वहाँ दस पंद्रह बारह कंप्यूटर लगे हुए पहले तो आठ कंप्यूटर के सात कंप्यूटर थे उसके बाद वहाँ पे जो आ, फारुक जायद खान साहब है उसने रिक्वेस्ट की थी गवर्नर साहब से हमें और कुछ कंप्यूटर चाहिए काम ठीक तरह से नहीं निकल रहा तो उन्होंने क्या किया उन्होंने फिर चार पांच कंप्यूटर और भेजे अभी वहाँ पे काम चल रहा है अगर मैं मैं पुलों में हूँ पुलों में काम कर रहा हूँ साउथ में समझो आप बानल तक अच्छा। बानल की गली तक अब मुझे काम करना है मैं गया किसी डिस्ट्रिक्ट में अब मुझे काम करना फिर आ जाऊँगा मैं तीन या दो बजे पहुँच जाऊँगा कहाँ पर श्रीनगर अब मुझे वो फोटो भेजनी है जिन जिन के लिए उसके बगैर भी मैं किसी और, कि और पाँच ही के साथ करता हूँ इंटरनेशनल और नेशनल अब मुझे उनको भेजने हैं तो वो जैसे आप अपने

एक अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा और सभी जर्नलिस्ट कुछ ऐसा ही सोच सोचेंगे नहीं करेंगे स्टाफ हर, हर किसी पेपर वाले ने स्टाफ काम किया है एक टाइप का वो गाँव में ना चक्का जाम टाइप का है जिसको कोई मजबूरी है किसी जगह जाने वो अपनी गाड़ी ले जा सकता है मगर आम ट्रैफिक जो नॉर्मल रूटीन में ट्रैफिक चलता था वो सिस्टम नहीं है वहाँ पे हर कोई बंदा अपने घर में बैठा हुआ है अगर किसी को अस्पताल जाना है वो जा सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं कोई और काम है वो जा सकता है मगर जैसे भीड़ भाड़ देते थे नहीं गाड़ियाँ हजारों चल रही है, से कोई दुकान नहीं खुली है कोई स्कूल नहीं खुला है तो जिस तरह से सरकार कहती है कि अभी क्लैकडाउन जल्द ही खत्म हो जाएगा या हमेशा के लिए नहीं है इसमें आपको कोई उम्मीद लगती है कि जल्द ही माहौल एकदम से पलट जाएगा अगर सरकार कहती है उसकी मुझसे तो ज्यादा बड़े नजर सरकार की है उसके कहने के अगर वो बोल रही है कि अभी जल्दी ठीक होगा तो ठीक होगा वो कब ठीक होगा वो फिर हम लोग सवाल पूछेंगे उनसे कब ठीक होगा कब ठीक होगा एक एक और है पिछले साल भी और आप आपसे अभी जब बात हो रही थी आप तब भी कह रहे थे कि आपके ऊपर पलेट इंजरी वगैरह का ये हुआ है ये क्या आम बात है कश्मीर में रिपोर्टिंग करते समय वो तो चलता रहता है वो पार्ट ऑफ सोशल सर्विस समझो आप वहाँ पे तो आपको आंख में चोट भी आई है हाँ। ये, ये इस, ये कब हुआ 2018 दिसंबर में हेप में इनकाउंटर चला तो टीम में व्हाट्सएप पे मैसेज आती रहती है तो हमने भी सुना और हम लोग गए वहाँ पे हेप में तो पुलवा से 35 मिनट लगते हैं हेप में कि हमारा एरिया ही पड़ता है मगर वो जो एरिया वहाँ से पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट शुपेना का पड़ता है वहाँ पे जब गए तो हमने लोग बड़े देखे वो आज़ादी के नारे लगा रहे थे पत्थर फेंक रहे थे सी आर पी के ऊपर इसमें कोई शक नहीं है तो हमने लोगों को बोला कि हम लोग आगे जाना चाहते हैं अगर आप लोग पत्थर बंद करोगे अगर आप प, हम लोग आगे जाएंगे आप पत्थर मारोगे उधर से वो टायर के ठोक देंगे या तो हमें लगे या तो आप लोगों को लगे हमें थोड़ा सपोर्ट दे दो हम लोग आगे जाना चाहते हैं इनकाउंटर साइड पे थोड़ा विजुअल्स देंगे और लिखने जाएंगे दस पंद्रह मिनट में तो उन्होंने माना उन लोगों ने बोला ठीक है आप लोग जाओ क्योंकि प्रेस वालों को वहां पे लोग रोकते नहीं है लोग से आपका मतलब है लोकल लोग लोकल लोग जानते हैं ना लोकली हम लोग भी जानते हैं इसलिए रोकते नहीं है उन्हें बोला ठीक है जाओ आप लोग कोई बात नहीं उसके बाद हमने बोला आगे सी आर पी आप मेरे साथ मेरे जो राइजिंग कश्मीर के फोटो चीफ भी है फारूक जावेद खान साहब थे मैंने उसको बोला आप पीछे रहो मैं आगे जाता हूँ मैं कैमरा निकाल दूँ मैंने कैमरा निकाला ऐसे मैं दूर से सी और पुलिस को ये दिखा रहा था ये जनाब हम लोग प्रेस वाले हैं हम आगे आना चाहते हैं हमें आगे आने की इजाजत दीजिए और ये पलट शलट जो बाकी जो चल रहा है थोड़ा बंद कीजिए आपके हाथ में कैमरा था हाँ सब के हाथ में रहे जैसे ही मैं दस पंद्रह कदम आगे बढ़ गया तो मुझे वो, वो अचानक वो करंट जैसी लगती है ना वही मैं ऐसे हो गया करंट लग गया तो मैंने पीछे देखा मगर इस आंख से मुझे कुछ दिख नहीं रहा मैं समझ रहा हूँ कि किसी ने पत्थर फेंका वो मुझे लग गया मैं ऐसे देख रहा हूँ ऐसे आंख से दूसरे वसीम के वसीम को बोला यार आपको खून आ रहा है वो मेरी छोड़ यार आपकी आंखों से खून बह रहा है मैंने ऐसे ही मैं बोला ये है क्या उसके बाद मैं ऐसे कर अभी भी पलट बहुत है मेरे यहाँ पे बहुत इस साइड में और इसके अंदर एक इसके ऊपर आईब्रो में तीन है